फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सफ़ेद छोले यानी सफ़ेद मटर के छोले बनते हैं उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। ये बाज़ार में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है और इसके छोले खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत ही मल्टीपर्पज़ रेसिपी है फ्रेंड्स ये। इसको आप छोले टिक्की, समोसे, छोले किसी में भी यूज कर सकते हैं या फिर रोटी पराठे या नॉन या फिर राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसको हम रात भर के लिए पानी में भिगा के रख देंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने इसको ओवरनाइट के लिए पानी में सोख करके रख दिया था। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी डबल हो गई है, ये फूल के डबल साइज में हो गए हैं। तो चलिए हम इसको पहले प्रेशर कुकर में कुक कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लिया है और ये सारे छोले हम इसमें डाल देंगे, सारे छोले इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसको पहले ही पानी से अच्छे से धो के, दो दिन पानी से धो के और साफ करके ले लिया है। अब मैं इसमें एक गिलास करीब पानी ऐड कर रही हूँ और आधा गिलास और डालेंगे। टोटल मैं इसमें डेढ़ गिलास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड, आधा गिलास और ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। अभी हम बस ज़रा सा ही नमक ऐड करेंगे, इससे क्या ये छोले जो है बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट बनेंगे। और साथ में ही दो तीन चुटकी के करीब हल्दी ऐड करेंगे। ये तीन चार पिंच करीब मीठा सोडा यानी खाने वाला सोडा है फ्रेंड्स, ये इसको कुक करने में बहुत ही सहायता करेगा और खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा। अब हम इसका ढक्कन लगाएंगे और इसको हाई मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 सीटी आने तक कुक कर लेंगे। फ्रेंड, जब तक हमारे छोले उबल रहे जब तक हम बाकी तैयारियां कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से लहसुन की कली ले ली है, 2 मीडियम साइज के टमाटर, 2 प्याज और 4 हरी मिर्च और 1 इंच 1.5 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा है। इन सबको तो हम पेस्ट बना लेंगे और एक प्याज को भी साथ में पेस्ट बनाएंगे और एक हम बघार यानी तड़के के लिए काट के बारीक चॉप करके रखेंगे। तो एक तो हम साइड में रख देंगे और बाकी सब की हम पेस्ट बना लेते हैं। देखिए मैंने मसाले का पेस्ट भी बना लिया है और प्याज को भी बारीक चॉप करके रख दिया है। देखिए हमारे कुकर की सीटी भी निकल गई है, तो इसको खोल के भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे छोले बिल्कुल कुक हो गए हैं। चलिए थोड़ा चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए एक उठा के चेक कर लेते, देखिए कुक हो गया है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, अब हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के ऑयल ऐड करेंगे। एक डाल दिया है, एक और डालेंगे और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फिर हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर रही हूँ और 2 से 3 पिंच करीब हींग ऐड करूँगी। फ्रेंड, अब हमारा जीरा थोड़ा सा तड़क गया है तो मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी, एक चॉप प्याज डाल देंगे। फ्रेंड, मैं आपको बिल्कुल देसी तरीका बता रही हूँ छोले बनाने का, इससे टेस्ट बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होएगा। इसको थोड़ा सा पहले हम भून लेते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारा प्याज ये भून गया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। हमको इतना ही इसको कुक करना था। हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें कुछ बेसिक मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर है। हमने हरी मिर्च पीस रखी थी पहले ही, इसलिए हम मिर्ची थोड़ी कम डाल रहे हैं। आप मिर्ची आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून ही भर के धनिया का पाउडर है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जस्ट 30 सेकेंड के लिए इसको हम भून लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको हमको नहीं कुक करना है, बस थोड़ा सा ही कुक करेंगे इसको। देखिए कलर कितना अच्छा अभी से दिख रहा है। अब हम इसमें हमारे मसाले का ये पेस्ट ऐड करेंगे, जो हमने मसाले का पेस्ट तैयार करके रखा था, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और टमाटर का, ये सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। और जार में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ऐड कर देंगे ताकि हमारे कोई भी मसाले वेस्ट ना जाए। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल मीडियम गैस पर इसको हम कुक होने देंगे ताकि मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुन जाए। फ्रेंड, हम इस रेसिपी में मसाले को जितना ही अच्छा भुनेंगे उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट और खुशबू आएगा। तो चलिए हम इसको ढक्कन लगा देते हैं और थोड़ी देर भुनने देंगे। चलिए इसका ढक्कन हटाते हैं और इसको चेक करते हैं। देखिए खोलते से कितनी अच्छी इसमें से खुशबू आने लगी है अभी से ही। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसको भी मिक्स करके वापस ढक्कन लगा के थोड़ी देर और कुक करेंगे हम इसको। चलिए फ्रेंड, ढक्कन हटाते हैं और मसाला चेक करते हैं।
देखिए फ्रेंड, खोलते ही इसमें से बहुत ही स्वादिष्ट सी खुशबू आ रही है। मसाला भी ऑलमोस्ट हमारा पक गया है। अब हम इसमें उबले हुए अपने मटर सफ़ेद वाले यानी कि छोले ऐड करेंगे। सारा हम इसमें मटर डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और थोड़ा सा हम इसमें आधे कप के करीब पानी ऐड करेंगे। आपको जितना इसको गाढ़ा और पतला रखना हो आप एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून भर के नमक ऐड करेंगे। नमक हमने इसमें थोड़ा पहले भी डाला है तो नमक आप आपके स्वाद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसको मिक्स कर देंगे। अभी हमने गैस का फ्लेम तेज कर रखा है, हम इसमें एक उबाल आने देंगे, उसके बाद हम गैस का फ्लेम धीमा कर देंगे। ये देखिए हमारे छोले में उबाल आ गया है, हम इसको पहले एक बार चला लेते हैं। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और लो गैस पे ही इसको हम 5 से 10 मिनट को कुक होने देंगे। ढक्कन लगा दीजिए। चलिए इसका ढक्कन हटाते हैं और इसको चेक करते हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड कितना अच्छा कलर और टेक्सचर आया है इसका। अभी हम इसको थोड़ा और गाढ़ा करेंगे। अभी हम इसको वापस ढक्कन लगा के और 4 से 5 मिनट के लिए और इसको कुक होने देंगे। चलिए फ्रेंड इसका ढक्कन हटाते हैं, इसको वापस चेक करते हैं छोले को। देखिए इसमें तेल ऊपर आ गया है, हमारा छोला बनके तैयार है। अब हम इसमें कटे हुए फ्रेश धनिया के पत्ते ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम भी अब हम बंद कर देंगे। चलिए फ्रेंड इसको सर्व करते हैं। फ्रेंड्स अभी ये ठंडी होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी होएगी तो आप जितना गाढ़ा पतला रखना है आप उतना रख सकते हैं। अभी आपको थोड़ी पतली भले दिख रही होगी पर ठंडी होने पे और गाढ़ी हो जाएगी। फ्रेंड्स मल्टीपर्पज़ रेसिपी है, आप इसको छोला टिक्की, समोसे, चाट या फिर राइस, रोटी, चपाती, नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स सबके साथ ये परफेक्ट जाती है। ऊपर से हम थोड़े से कटे हुए धनिया के पत्ते और ऐड करेंगे और साथ में कटे हुए प्याज से सर्व करेंगे। फ्रेंड्स ये ऐसे खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू।